M90 Pro TWS जिसमें आप लोगों को काफी बढ़िया बढ़िया फीचर मिलते हैं, जैसे कि इसका लुक ही काफी अलग है। बाकी फीचर देखने से पहले एक बार आप लोग इसकी अनबॉक्सिंग देख लो। ओ भाई साहब कितने प्यारे लग रहे हैं। TWS को बाद में देखेंगे। उसके अलावा आपको इसमें एक टाइप A टू टाइप C केबल मिलती है और कुछ ईयरबड्स मिलते हैं, अगर आपके कहीं खो जाएंगे ये तो उस टाइम पे ये काम आ जाएंगे। और इसके अलावा आपको इसमें एक यूजर मैनुअल मिलती है जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारी चीजें तो मैं बताऊंगा। हट जाओ फ्रेम से। तो फाइनली बात करते हैं TWS के बारे में। पहली बार में अगर इसका लुक देखेंगे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई गेमिंग TWS है। खोलते कैसे? तो ये इस तरह से स्लाइड होता है, मैं अभी तक इसको इस तरह से ऊपर की तरफ खींच रहा था, तो ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से लग रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर जैसा लुक लग रहा है हल्का हल्का। और इसके अलावा आपको इसमें इस तरह के ईयरबड्स मिलते हैं जो कि काफी छोटे छोटे और काफी प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। एंड बॉक्स में इसको रखने के बाद ओवरऑल इस तरह का लुक आएगा। अरे वाह, इसमें लाइट जल रही है इसके ईयरबड्स में, बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मर जैसे लग रहे हैं। तो अगर आप लोग इसको इस तरह से लेके घूमोगे तो कोई भी इंसान इसको पहली बार देखने के बाद आपसे जरूर पूछेगा कि ये कौन से TWS है। और इसके अलावा इसमें काफी यूनिक फीचर भी है, जैसे कि इसके केस के फ्रंट में आपको LED लाइट मिलती है, तो जब ये ईयरबड्स चार्ज हो रहे होंगे तो आप लोगों को यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएगा कि लेफ्ट और राइट वाले अभी चार्ज हो रहे हैं। अब जैसे कि मैं इसमें से एक हटाऊंगा तो आप लोग देख सकते हो कि सिर्फ एक ही चार्ज हो रहा है, और दोनों लगाएंगे तो दोनों चार्ज होंगे। जब तक ये ईयरबड्स में रेड लाइट जलेगी तो इसका मतलब है कि ये अभी चार्ज हो रहे हैं, और जैसे ही इनमें ब्लू लाइट आएगी तो ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाएंगे। लेकिन एक चीज इसमें काफी अजीब है, अगर आप लोग इसके केस को ध्यान से देखोगे तो ये पूरा प्लास्टिक का है, लेकिन इसमें फिर भी यहाँ पे फ्रंट में LED लाइट जलती है, तो वो पता नहीं किस तरह से इंडिकेट कर रखी है लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई ग्लास है ना ही कोई LCD पैनल दिख रहा है, मतलब ऊपर से तो खाली ये प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखता है, लाइट जल रही है पता नहीं कैसे। अगली वीडियो में खोल देंगे अगर इसमें रिस्पांस बढ़िया मिला तो। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इसके बेसिक फीचर बता देता हूँ, जैसे कि इसमें आप लोगों को वायरलेस वर्जन 5.3 मिलता है, इस केस की बैटरी है 40 mAh, ईयरबड्स में आपको 1200 mAh की बैटरी मिल जाएगी, और ये ईयरबड्स चार्ज होने में अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 घंटे लेते हैं। एंड जो आप लोग ये केस देख रहे हो उसको कंप्लीट चार्ज होने में, मतलब 0 से 100% चार्ज होने में अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे लगते हैं। फुल चार्ज होने के बाद ये ईयरबड्स को 2-3 बार आराम से चार्ज कर देगा। और इसके अलावा जो आप लोग ये केस देख रहे हो ये इतना बड़ा क्यों है ये आपको मैं आगे थोड़ी देर में बताऊंगा। ईयरबड्स में आपको 4 hours का म्यूजिक टाइम मिलता है, 4 hours का टॉक टाइम मिलता है, और जिस प्राइस पॉइंट पे ये आते हैं अप्रोक्सीमेटली 700-800 रुपए के हैं, तो उस प्राइस पॉइंट पे इसमें आप लोगों को ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी मिलती है, मतलब जैसे आप लोग इसको केस से बाहर निकालोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो लास्ट पेयर डिवाइस था उससे कनेक्ट हो जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात ये है कि इसके डब्बे में आपको सामने ही ENC लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसका मतलब होता है एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी। तो जैसे आप लोग इन ईयरबड्स को अपने कानों में लगाओगे तो ये आपके कानों को अच्छी तरह कवर कर लेंगे, जिससे कि बाहर की नॉइस नहीं आती है, मतलब पूरे कान ढके होंगे तो नॉइस काफी कम हो जाती है। एंड इन ईयरबड्स में मेंशन कर रखा है कि कौन सा वाला लेफ्ट में लगेगा और कौन सा वाला राइट में लगेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इन ईयरबड्स में आपको तो इस तरह की पिन मिलती है, और इसके केस में भी आपको इस तरह की पिनें मिलेंगी, जैसे आप लोग इसको इस तरह से रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज होने लग जाएंगे। और एक काफी बढ़िया चीज ये है कि अगर मैं इसको ऊपर से भी फेंकूंगा तो ये आराम से फिट हो जाते हैं, कभी कभी नहीं होंगे बट कभी कभी तो बहुत ही परफेक्टली हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैग्नेटिक है ना, इसलिए ये इजीली फिट हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके टच कंट्रोल के बारे में। इसकी मदद से आप लोग म्यूजिक को बस प्ले पॉज कर सकते हो, और म्यूजिक की बात ही हो रही है तो आप लोगों को इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बताता हूँ। तो इसमें बेस तो आपको काफी तगड़ा मिलेगा, मतलब एकदम पंची नहीं है बट काफी बढ़िया बेस है, लेकिन बेस इतना बढ़िया है कि बाकी चीजें थोड़े इन लोगों ने बैलेंस नहीं कर रखी है, जैसे कि अगर आप लोग इसको फुल वॉल्यूम पे सुनोगे तो इसका बेस काफी ज्यादा हो जाता है, वोकल्स थोड़े दब जाते हैं, और जिन गानों में ट्रेबल वगैरह ज्यादा होता है, मतलब CC की आवाज ज्यादा होती है, तो उसमें काफी क्लियरली सुनाई देगा। तो जब आप लोग इसको पहली बार लगाओगे तो आप लोग इसमें छन इजिली नोटिस कर पाओगे, लेकिन 2-3 गाने के बाद आप लोग यूज्ड हो जाओगे। एंड इन ईयरबड्स में आपको माइक भी मिलता है, एंड जो अभी आप लोग आवाज सुन रहे हो वो इसी माइक से आ रही है। म्यूजिक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक चीज जो इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है वो है इसकी फिटिंग क्वालिटी। अगर आप लोग इसको इस तरह से लगा के घूमोगे हल्का सा ऐसे झटका देने में ये काफी इजीली कानों से नीचे गिर जाते हैं, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे तो मैं इसे ले जाना भी कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि कभी भी गिर सकते हैं, उतनी बढ़िया फिटिंग नहीं है इनकी। और अगर आप लोगों की भी मेरी तरह आदत है कि म्यूजिक सुनते सुनते काम करने की, जब मैं इस कमरे में साफ सफाई कर रहा होता तो मैं गाने सुनता हूं, लेकिन जैसे ही मैं कोई चीज उठाने के लिए नीचे झुकता हूं तो ये अपने आप मेरे कानों से नीचे गिर जाते हैं, तो वो बहुत ही इरिटेटिंग चीज है। केस के इस तरफ आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है और इस तरफ USB पोर्ट मिलता है, तो टाइप सी तो आप समझ गए होंगे कि इसको चार्ज करने के लिए, लेकिन इसमें जो ये USB पोर्ट दे रखा है इसकी मदद से आप लोग रिवर्स चार्जिंग कर सकते हो, लेकिन वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो कल रात 9 बजे मैंने अपने फोन को चार्ज पे लगाया था, एंड उस टाइम पे ये 47% चार्ज था, और आधे घंटे में इस केस की बैटरी पूरी कंप्लीटली खत्म हो गई और फोन भी बस 80% चार्ज हो पाया। तो इसकी रिवर्स चार्जिंग तो उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, कुछ लोग कह रहे थे कि ये पावर बैंक है बट बेकार ही है, मतलब अर्जेंट अभी अगर आप लोग कहीं फंस जाते हो तो ये शायद काम आ सकता है, नॉर्मल यूजेज के लिए तो ये पावर बैंक किसी काम का नहीं है। स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को इसके लुक के बारे में बताना भूल गया था, तो ऊपर की तरफ आपको इसमें एक इस तरह का लोगो मिलता है जो कि ट्रांसफॉर्मर जैसा लग रहा है, ऊपर आप लोगों को ग्लॉसी फिनिश मिलता है एंड नीचे आप लोगों को मैट फिनिश मिल जाता है, तो ओवरऑल इसका लुक काफी बढ़िया है। और ये केस कितना परसेंट चार्ज हो गया है ये आप लोग इसके सेंटर में देख सकते हो, तो 700-800 रुपए के हिसाब से तो इसमें आप लोगों को काफी बढ़िया बढ़िया फीचर मिलते हैं, एंड इसकी साउंड क्वालिटी भी बढ़िया है। लेकिन अगर आप लोगों का बजट 1500 से 2000 तक का है तो आप लोग एक बार ये दोनों वीडियो देख लेना, फिर आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी।